मुंबई के बोरीवली ईस्ट स्थित वार्ड नंबर 13 में एक साथ 54 सीटों के शौचालय का उद्घाटन किया गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना है, उसी सपने में पंख लगाने का काम कर रहे बीजेपी नगर सेवक विद्यार्थी सिंह के द्वारा दत्तपाड़ा में शौचालय का काम कराया गया, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी विधायक सुनील राणे के हाथों उद्घाटन किया गया। विद्यार्थी सिंह का कहना था, वार्ड की जनता के लिए इस तरह से कार्य निरंतर करता रहूंगा। यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए इस शौचालय का उद्घाटन किया गया है और इसी तरह वार्ड 13 में जल्द ही 80 सीटों के शौचालय का उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, हमारे बोरेली पूर्व के लोकप्रिय विधायक विद्यार्थी सिंह जी के प्रयत्नों से कुल मिलकर इस साल में 150 शौचालय बनाने का काम चल रहा है, जिसमें से 54 शौचालय का उद्घाटन अभी मैंने, हमारे विधायक सुनील राणे जी ने, सारे लोगों ने मिलकर किया है। बहुत ही अच्छा 5-स्टार कल्चर का टॉयलेट झुग्गी झोपड़पट्टी बस्तियों में ये हमको देखने के मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा काम उनके हाथों से हुआ है और मोदी जी के स्वच्छ भारत का जो सपना है, उस सपने को विद्यार्थी सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर कर रहे, इसलिए मैं प्रसन्नता महसूस करता हूँ। बीमार होने के बावजूद भी इतना अच्छा, इतना बड़ा और इतना भगीरथ काम हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आज उद्घाटन के लिए आया हूँ। हमारे नगर सेवक है बोरीवली पूर्व के, उन्होंने बहुत ही अच्छा शौचालय का निर्मित किया है, उसके उद्घाटन के समारोह में आज हम उपस्थित थे। बहुत ही सुंदर, जनता के प्रति एक न्याय की भावना से आरोग्य की अच्छी निगरानी हो और स्वच्छता का अभियान ऐसे ही चलता रहे करके विद्यार्थी जी का ये काम बहुत ही उल्लेखनीय है। और सर, नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है और इसकी लोगों को खास ज़रूरत है, क्योंकि इस इलाके में शौचालय इतना बड़ा नहीं था। शौचालय तो और भी मैंने बहुत बनाया है, लेकिन ये सबसे बड़ा शौचालय है। 54 शौचालय बनाया और इसके बाद भी मैंने 80 शौचालय दूसरा काम चल रहा इस इलाके में, और आगे भी निरंतर काम मेरा चलता रहे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।